धन्यवाद संचालक जी। साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पिछले 26 जून से जम्मू कश्मीर से राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। 4 महीने से ज़्यादा का समय इस परिवर्तन यात्रा को हो गया है। जब हम लोग 26 जून को जम्मू कश्मीर से निकले तो जम्मू कश्मीर से निकलकर हम लोग हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश से हम लोग पंजाब में आए, पंजाब से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हरियाणा आए, हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से राजस्थान आए, राजस्थान से गुजरात आए, गुजरात से महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश से फिर उत्तराखंड में गए, उत्तराखंड से वापस उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से बिहार आए, बिहार से बंगाल आए और बंगाल के बाद में आपके उड़ीसा में ये परिवर्तन यात्रा चल रही है और आज भुवनेश्वर शहर में यह परिवर्तन यात्रा पहुंची हुई है। जब हम लोगों ने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत किया तो 6 करोड़ रुपए का बजट इस परिवर्तन यात्रा के लिए रखा गया, लेकिन अभी तक 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक जो 6 करोड़ रुपए का बजट इस यात्रा के लिए रखा गया है उसमें से एक नया पैसा भी खर्च करने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी। इतना ज्यादा समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, जहां भी ये यात्रा जा रही है वहीं के लोग यात्रा के रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ियों में डीजल पेट्रोल की व्यवस्था, कार्यक्रम के कुर्सी मेज माइक हाल की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था वहीं के लोग कर रहे हैं जहां ये यात्रा जा रही है। और इसके अलावा 60-65 लाख रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि में दे दिया कि आप इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करो, इसके लिए 60-65 लाख रुपया और दे दिया, सारी व्यवस्था किया और सारी व्यवस्था करने के बाद 60-65 लाख रुपया और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दे दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस परिवर्तन यात्रा को देश भर में समर्थन मिल रहा है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा, 8 महीने की यह परिवर्तन यात्रा है, जम्मू कश्मीर से ये शुरू हुई है, ये कन्याकुमारी तक जाएगी। भारत का मानचित्र, भारत का नक्शा जिसने देखा होगा तो जम्मू कश्मीर ऊपर है और कन्याकुमारी बिल्कुल ही नीचे है। कन्याकुमारी के आगे समुद्र लग जाता है, उसके आगे जमीन नहीं है, इसलिए उसके आगे इस यात्रा को लेकर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि उसके आगे जाने से डूब जाए। और डूबने के लिए ये यात्रा निकाली नहीं गई है, हम अपने दुश्मनों को डुबाना चाहते हैं, दुश्मनों को डुबाने के लिए यात्रा निकाली गई है। इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा आजाद भारत में किसी भी संगठन के द्वारा नहीं निकाली और ना ही देश भर में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का इतना बड़ा संगठन है जो इतनी बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाल सकता है। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि हमारे लोगों के संगठन डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, गांव लेवल के होते हैं, मोहल्ले लेवल के होते हैं, तालुका तहसील लेवल के होते हैं, कमिश्नरी लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल के होते हैं, नेशनल लेवल का हमारे लोगों के पास में इतना बड़ा कोई संगठन, कोई ढांचा नहीं है। केवल बामसेफ जो है वो पिछड़े वर्गों का, SC ST OBC और माइनॉरिटी का देश भर में आज की तारीख में सबसे बड़ा संगठन है। बामसेफ की शाखाएं आज की तारीख में 31 राज्यों में, 550 जिलों में, 4,500 से ज़्यादा तहसीलों में और 2,50,000 के ज़्यादा गांवों तक अभी बामसेफ की शाखाएं पहुंच गई हैं।
तो इतना बड़ा संगठन ना होने की वजह से कोई दूसरा संगठन इस यात्रा को निकाल नहीं सकता। वामसेव संगठन के साथ और सहयोग से ये बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा, 8 महीने की परिवर्तन यात्रा ये निकाली गई है। इस परिवर्तन यात्रा का निकालने का 2 प्रमुख मकसद है। पहला मकसद ये है इस परिवर्तन यात्रा को निकालने का कि देश की आजादी को लगभग 72-73 साल हो गए और 72-73 साल की आजादी में इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है तो कहीं घोड़ी पर चढ़कर बारात नहीं निकालने दिया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति भी बना दिया जाता है मगर उस राष्ट्रपति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करना पड़ता है। इतने ज्यादा अनुसूचित जातियों के हालात देश के अंदर खराब हैं। आदिवासियों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां के जल पर, वहां के जंगल पर, वहां के जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार है और जिस इलाके में आदिवासी रहते हैं वहां आदिवासियों का शासन भी होना चाहिए, आदिवासी वहां के राजा होने चाहिए। मगर आजादी के 72-73 साल में आदिवासियों को उनके जल से, जंगल से, जमीन से खदेड़ा जा रहा है और जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो उन्हें नक्सलाइट घोषित किया जाता है और नक्सलाइट घोषित करके गोलियों से मार दिया जाता है। इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। देश में सिखों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम, लिंगायतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियनों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बुद्धिस्टों के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो देश की बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आज की तारीख में मुल्क के हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए हैं कि मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये मुसलमान नहीं तय करता, मुसलमान के घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को पकड़कर पीट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर जांच बैठती है। जांच इस बात के लिए नहीं बैठती कि हत्या किसने की है, जांच इस बात के लिए बैठती है कि बिरयानी किस चीज की थी। इतने ज्यादा देश के हालात खराब। एक मुसलमान को चौराहे पर आरएसएस के 20-25-30 गुंडे पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, वो नहीं बोलता, नहीं बोलता, उसको पीट कर उसकी हत्या कर देते। इतने ज्यादा मुल्क के हालात खराब हो गए। देश की बड़ी आबादी है जिसे ओबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। आजादी के 72-73 साल में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो 52% पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिसे ओबीसी कहा जाता है, आप लोग उड़िया में जिसे पछुआ वर्ग कहते हो, तो ये पछुआ वर्ग के लोगों की संख्या देश में 52% है मगर आजाद भारत में इन पछुआ वर्ग के 52% लोगों की गिनती नहीं हुई। कुत्तों की हुई, बिल्ली की हुई, हिजड़े की हुई, सब की हुई मगर ये पछुआ वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 72-73 साल में नहीं। और जब गिनती नहीं हुई तो हिस्सा कहाँ से लगेगा, जब गिनती नहीं हुई तो हिस्सा मिलने का कोई सवाल नहीं है। तो आजादी के 72-73 साल में ओबीसी को हिस्सा तक नहीं मिला। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, उत्तर प्रदेश में ओबीसी के अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। जब उनकी सरकार चली गई तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए। पंडितों ने योगी आदित्यनाथ को कहा कि जहां अखिलेश यादव बैठते थे वो कुर्सी अशुद्ध हो गई है, वो कमरा अशुद्ध हो गया है, उसको शुद्ध करना पड़े। योगी आदित्यनाथ ने कहा कैसे शुद्ध होगा, बोला गाय का मूत्र लाना पड़ेगा, गाय का गोबर लाना।
और गाय के गोबर से और गाय के मूत्र से शुद्ध करना पड़े। तो गाय का गोबर लाया गया, गाय का मूत्र लाया गया और जहां अखिलेश यादव बैठते थे उसको शुद्ध किया गया। मगर ब्राह्मणों ने कहा अभी तो फर्श शुद्ध हो गई, दीवाल शुद्ध हो गई गोबर और मूत्र से, लेकिन जो हवा है यहाँ की वो तो अभी प्रदूषित ही, वातावरण अभी प्रदूषित है, वातावरण शुद्ध नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ एक ओबीसी का आदमी बैठता था, एक शूद्र बैठता था, तो इसलिए ब्राह्मणों ने योगी को कहा इसके लिए हवन करना पड़ेगा ताकि हवा यहाँ की शुद्ध किया जा सके। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज़ादी के 72-73 साल में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी लोगों के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है। अगर किसानों की बात करें तो किसान लाखों की संख्या में देश में आत्महत्या कर चुके हैं। और किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस माइक पर मैं बोल रहा हूं, ये माइक जिसने बनाया इसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में है। ये जो कैमरा सामने लगा है इसको जिसने बनाया उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार उसके पास में। हम खरीदने वाले हम नहीं तय कर सकते कि माइक कितने में खरीदेंगे, जिसने बनाया वो तय करेगा कि माइक कितने में मार्केट में बिकेगा। जिस कुर्सी पर आप लोग बैठे हो उस कुर्सी को जिसने बनाया वो निर्धारित करेगा कुर्सी मार्केट में कितने में बिकेगी। लेकिन इस देश का किसान जब फसल पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, धान पैदा करता है, चावल पैदा करता है, तो उसकी फसल का मूल्य रखने का अधिकार, कीमत रखने का अधिकार आज़ादी के 72-73 साल में किसानों को नहीं मिला। खरीदने वाले तय करते हैं धान का रेट क्या, किसान नहीं तय करता, खरीदने वाले तय करते हैं रेट क्या होगा। इसकी वजह से खेती किसानी घाटे का सौदा हो। जब खेती किसानी घाटे में चली गई तो किसान को अगली फसल लेने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेकर अगली फसल लगाता है वो भी घाटे में चली जाती है। तो किसान कर्ज अदा नहीं कर पाता, कर्ज चुकता नहीं कर पाता, कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता तो किसान आत्महत्या कर लेता है। मगर केवल किसान इस देश में कर्ज नहीं लेता, इस देश में टाटा भी कर्ज लेता है, बिरला भी कर्ज लेता है, अंबानी भी कर्ज लेता है, अडानी भी कर्ज लेता है, बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े पूंजीपति इस देश के अंदर कर्ज लेते हैं। मगर क्या आपने कभी सुना किसी टाटा ने आत्महत्या किया, किसी बिरला ने आत्महत्या किया हो, किसी अंबानी ने आत्महत्या किया हो, किसी अडानी ने आत्महत्या किया हो? ऐसा क्या कभी आपने खबरें पढ़ी? क्या अखबार और टीवी में ऐसी खबरें कभी आपने पढ़ी कि उद्योगपति पूंजीपति लोगों ने आत्महत्या कर लिया? ऐसी कोई खबर अखबार और टीवी में नहीं आती, क्योंकि कोई भी पूंजीपति कोई भी उद्योगपति आत्महत्या ही नहीं करता। आत्महत्या करता ही नहीं तो खबर आएगी नहीं। आत्महत्या क्यों नहीं करता? क्या वो सारा का सारा कर्ज वापस कर देते? वो कर्ज वापस नहीं करते। कर्ज देने वाले नेता उद्योगपति को बोलते हैं, पूंजीपति को बोलते हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी को बोलते हैं, आधा कर्जा के पैसा तुम अपने पास रखो, कर्ज का आधा पैसा हमें चुनाव लड़ने के लिए दे दो, और जो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम तुम्हारा पूरा का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। तो उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। विजय माल्या जैसे लोगों को देश से भगा दिया जाता और चौकीदार सोता रहता है। चौकीदार को पता ही नहीं चलता विजय माल्या चला जाता। तो किसान आत्महत्या कर रहा है। नौजवान देश में बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर ले उसे रोजगार नहीं है। और जब नौजवान सड़क पर उतरता है और कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो देश और प्रदेश की सरकारें नौजवानों के हाथ को काम नहीं देती, लाठी चार्ज करती है, नौजवानों का हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। हमारे समाज की जो 90% महिलाएं हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, उनके अंदर खून की कमी पाई जाती है, ब्लड की कमी पाई जाती है। और ब्लड की कमी होने की वजह से, खून की कमी होने की वजह से हर साल वो जो बच्चे पैदा करती हैं वो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं। क्योंकि जब माँ के अंदर खून की कमी है
तो बच्चे को जो आवश्यक खुराक चाहिए वो खुराक माँ के पेट में उसको मिलता नहीं, मिलता नहीं तो जो बच्चे पैदा होते हैं वो कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं, और कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं तो हर साल जन्म से लेकर के 5 साल की उम्र तक 10 लाख बच्चे हर साल कुपोषण के शिकार की वजह से मर जाते हैं। तो इस देश के अंदर ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि इस देश के अंदर शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, शेड्यूल ट्राइब की पिटाई हो रही है, ओबीसी की पिटाई हो रही है, माइनॉरिटीज की पिटाई हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान की पिटाई हो रही है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आज़ादी के 72-73 साल में इस देश के अंदर आज़ाद कौन हुआ, ये सवाल खड़ा हो, आजाद कौन हुआ ये सवाल खड़ा हो जाता है। ये सोचने और समझने का गंभीर प्रश्न है कि आजादी के 72-73 साल में आजाद कौन हुआ। जब इस देश में अंग्रेज थे तो हमारे पुरखों को ये बात समझाई गई, ये बात बताई गई कि अंग्रेज तुम्हारे दुश्मन है, अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाया है और अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हमारे तमाम पुरखों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दिया, वो जेल गए, वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, उन्होंने सीने पर गोलियां खाई, वो उन्होंने कुर्बानी दिया और अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। अकेले 3.5% ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देते। अगर हमारे पुरखे इस आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं होते तो अंग्रेजों को ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कि इस देश से भगा देते। लेकिन 72-73 साल की आज़ादी में आज हम ही लोगों के हालात खराब कर दिए गए, तो क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दिया था? इसके लिए तो कुर्बानी नहीं दिया था। इसका मतलब यह है कि यह सोचने और समझने का प्रश्न है, विषय है कि क्या केवल अंग्रेज ही हमारी समस्याओं के कारण थे या कोई और भी बात है। जब इस पर सोचा गया, समझा गया, पढ़ा गया, लिखा गया, अध्ययन किया गया तो ये बात सामने आई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए, इस देश में मुगल भी बाद में आए, और इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे, इस देश में जब मुगल नहीं आए थे तब इस देश में ब्राह्मण आए थे, और ब्राह्मण यूरेशिया से आए थे। यूरेशिया में काला सागर नाम का एक प्रांत है, काला सागर के पास में अस्कमोजी नाम का एक प्रांत है, अस्कमोजी में मोरवा प्रजाति के लोग रहते हैं, मोरवा प्रजाति के लोगों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए एक है, यहूदियों का डीएनए और भारत के ब्राह्मणों का डीएनए एक है। तो ये जो ब्राह्मण थे अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले यूरेशिया से आए, इन्होंने यहाँ वर्ण व्यवस्था बनाई, शेड्यूल कास्ट के लोगों को अछूत घोषित किया, गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया, ओबीसी के लोगों को शूद्र घोषित किया और अपनी गुलामी करने के लिए मजबूर किया, आदिवासियों को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया। ये काम अंग्रेजों ने नहीं किया, ये काम मुगलों ने नहीं किया। जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे तब ब्राह्मणों ने ये काम किया, और इतना ही नहीं किया, इतने से ब्राह्मणों को तसल्ली नहीं हुई, 6000 से ज्यादा जातियों में हमारे लोगों को विभाजित किया, हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया और कर्मिक असमानता बनाया, कोई जाति सबसे ऊपर है, कोई उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है, फिर उसके नीचे है, और सबके ऊपर ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण ऊपर से जूता लगाता है, जो ऊपर वाली जाति है इसको 2 जूता लगाता है, जब इसको 2 पड़ता है तो ऊपर नहीं देखता मुझे ब्राह्मण 2 जूता मार रहा है, ये अपने से नीचे वाली जाति की तरफ देखता, बोलता मुझे तो 2 ही पड़ रहा है, इसको तो 4 पड़ रहा है। जिसको 4 पड़ता वो भी ऊपर नहीं देखता, वो सोचता है ऊपर क्यों देखो, वो नीचे देखता, मुझे तो 4 पड़ रहा है, मेरे से नीचे वाले तो 8 पड़ रहा है। जिसको 8 पड़ता है वो भी ऊपर नहीं देखता ब्राह्मण मुझे जूता मार रहा है, वो भी नीचे देखता है मुझे तो 8 ही पड़ रहा है, मेरे से नीचे वाले को तो 16 पड़ रहा है। तो कर्मिक असमानता बनाई, क्यों बनाई, कि अगर ये आप ये एक रहेंगे तो ब्राह्मण से लड़ेंगे,
जब इनके अंदर ही अलग अलग डिवीजन कर देंगे, ये आपस में ही अगर विभाजित हो जाएंगे तो ये आपस में लड़ेंगे, और जब इनको आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना ब्राह्मण से लड़ेंगे। आज तक हमारे लोगों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए तो ब्राह्मण से नहीं लड़ पा रहे। हम तो आंकड़े बताते रहते 85% है, 90% है, सही है, मगर जब आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी तब ना ब्राह्मण से लड़ेंगे। हम तो आपस में लड़ रहे हैं, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही, वो खुद को ऊंचा बनने में परेशान है, दूसरे को नीचा दिखाने में परेशान है, और इसकी वजह से सारा का सारा अधिकार हम लोगों का ब्राह्मण खा रहे हैं। तो 6,743 जातियों में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को विभाजित किया। इसलिए ज्योतिबा फूले कहते थे कि ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, पहले ब्राह्मणों से आजाद हो जाओ। इसलिए साहू महाराज भी कहते थे कि ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है, पहले ब्राह्मणों से आजाद हो जाओ। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे गुलामी में जिनकी बात नहीं सुनते हो, आजादी मिलेगी तो उनकी लात खानी पड़ेगी। लात खाना थोड़ा छोटा मामला था, अभी तो गोली चल रही है आदिवासियों के ऊपर, तो बड़ा मामला बढ़ गया है। तो साथियों, ये जो सारी बातें हैं, ये इस बात को फूले साहू अंबेडकर पेरियार जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आजादी का आंदोलन अलग रखा, और उन्होंने अपनी आजादी का आंदोलन अलग रखा इसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर को भारतीय संविधान लिखने का, बनाने का मौका मिला। और जब बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा तो भारतीय संविधान में हम सभी लोगों को वोट का अधिकार दिया, और वोट का अधिकार दिया और कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा, तो फिर प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? तो प्रजा के लिए राजा प्रजा ही तय करेगी, और वो राजा बैलेट बॉक्स से निकलेगा। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखी। मगर ब्राह्मणों को पता है कि 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण इस देश का शासक नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, तो इसलिए ब्राह्मणों ने इस देश में षड्यंत्र किया और ईवीएम मशीन भारत में लेकर के आए। भारत के ब्राह्मण यूरोप गए, अमेरिका गए, और यूरोप और अमेरिका के लोगों को पूछा, अरे तुम लोग तो मशीन का उपयोग करते थे, तुम लोगों ने मशीन बनाई, तुम मशीन से वोट क्यों नहीं डालते, क्यों बैलेट पेपर से वोट डालते? तो यूरोप के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने भारत के ब्राह्मणों को कहा कि मशीन में चोरी हो जाती है, इसलिए घोटाला होता है, इसलिए हमने मशीन का प्रयोग बंद कर दिया और हम केवल बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं। तो भारत के ब्राह्मणों ने कहा मशीन में चोरी होती है, घोटाला होता है, तो यही तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि 3.5% वोटों के आधार पर हम देश का शासक नहीं बन सकते, तो यही तो हम ढूंढ रहे थे, घोटाला करने वाली मशीन ही हमको चाहिए, और वो मशीन लेकर भारत में ब्राह्मण आए। बहुत सारे लोगों को केवल ये जानकारी है कि नहीं, बीजेपी के लोगों ने ही घोटाला करके चुनाव जीता, लेकिन इस मशीन को लाने का काम ही इंदिरा गांधी ने किया। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्ताव रखा पार्लियामेंट के अंदर, बीजेपी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, कम्युनिस्ट पार्टी के एक ब्राह्मण सीताराम येचुरी ने भी उस प्रस्ताव का समर्थन किया। जब हम अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस के विरोध में बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले कांग्रेस बीजेपी दोनों के विरोध में बोलते हैं। तो हमको क्या लगता, नहीं कांग्रेस तो बीजेपी की विरोधी है, बीजेपी तो कांग्रेस की विरोधी है, और कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस बीजेपी दोनों की विरोधी है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर बिल आया ईवीएम का, तो ना कांग्रेस ने बीजेपी का विरोध किया, ना बीजेपी ने कांग्रेस का विरोध किया, ना कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस बीजेपी का विरोध किया, बल्कि तीनों ने मिलकर ईवीएम का बिल पास कराया। क्यों तीनों मिल गए? क्योंकि जो चिंता कांग्रेस के ब्राह्मण को थी कि 3.5% वोटों के आधार पर ब्राह्मण इस देश पे शासक नहीं बन सकता, वही चिंता बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को थी, वही चिंता कम्युनिस्ट पार्टी के ब्राह्मण सीताराम येचुरी की थी, इसलिए तीनों ब्राह्मण मिलकर ईवीएम मशीन भारत में ले आए। 2004-2009 का चुनाव घोटाला करके कांग्रेस ने जीत लिया,
ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिया कि ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं कराया जा सकता। ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं कराया जा सकता, अगर ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव कराना है तो ईवीएम में घोटाला होगा, ये घोटाला करने वाली मशीन है तो इसके साथ में एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाना होगा। घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे एटीएम से आप पैसा निकालते हो तो पैसा निकालने के साथ साथ ही उसमें कागज की स्लिप बाहर आती है और कागज की स्लिप में लिखा रहता है आपने इतना रुपया आपके अकाउंट में था, आपने इतना निकाल लिया, इतना बचा हुआ है। वैसे ही जब मतदाता वोट डालेगा, अगर पंजे को दबाएगा तो पंजा छपकर बाहर आना चाहिए, कमल को दबाएगा तो कमल छपकर बाहर आना चाहिए, हाथी को दबाएगा तो हाथी छपकर बाहर आना चाहिए, जिसको दबाएगा वो छप करके बाहर आना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। क्यों आदेश दिया? क्योंकि ये तो मशीन है, अभी इस पे मोबाइल में 1:37 छपा है, 1:37 छपा है तो 1 मिनट बाद ये 1:38 छप जाएगा। क्यों? इसमें जैसा फीड किया गया वैसा छपेगा, जैसे इसमें फीड किया गया है वैसे मशीन में भी फीड किया जा सकता, उसमें भी फीड किया गया। हमारे बहुत सारे लोग कहते नहीं मार्क पोल में तो नहीं पकड़ा गया, हम तो सुबह एजेंट थे गए थे। कुछ हमारे कर्मचारी कहते नहीं हम तो मार्क पोल करवाते हैं उसमें तो नहीं पकड़ा जाता। मशीन को पता है कि इतने बजे तक मार्क पोल होता है और इतने बजे के बाद वोटिंग शुरू होती है, तो खेल कब शुरू करना है ये मशीन को पता है। मशीन में जो डाला गया है उसके हिसाब से मशीन काम करती, तो इसमें कुछ भी छापा जा सकता है, हर सेकंड बदला जा सकता है। लेकिन ये कागज है, ये कागज है, अगर इस पे एक बार कमल छप गया तो कमल ही रहेगा, अगर इस पे एक बार पंजा छप गया तो पंजा ही रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है मगर कागज में गड़बड़ी नहीं की जा सकती, इसलिए अगर मशीन की काउंटिंग किसी कैंडिडेट को मंजूर नहीं है तो जो कागज का टुकड़ा निकलेगा मशीन से उसकी काउंटिंग किया जाएगा और उसको फाइनल काउंटिंग माना जाएगा। ये बात 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कही। मगर 14 के चुनाव में चुनाव आयोग ने वो कागज का टुकड़ा निकालने वाली मशीन, पर्ची निकालने वाली मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया ही नहीं। क्यों नहीं लगाया? कांग्रेस और बीजेपी का समझौता हो गया, 10 साल ईवीएम में तुम घोटाला करके सरकार चलाओ, 10 साल ईवीएम में घोटाला करके हम सरकार चलाएंगे, तुम्हारे घोटाले पर हम चुप रहेंगे, हमारे घोटाले पर तुम चुप रहो, हमारे घोटाले पर तुम चुप रहो, तुम्हारे घोटाले पर हम चुप रहेंगे और दोनों मिलकर 10-10 साल तक राज करेंगे। इसलिए 14 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई गई और नरेंद्र मोदी घोटाला करके चुनाव जीत गए और प्रधानमंत्री बन गए। जब ये बात मेसराम साहब को पता चले, मेसराम साहब सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट को कहा आपने आदेश दिया था घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने के लिए, कागज का टुकड़ा पर्ची निकालने वाली मशीन लगाने के लिए, मगर चुनाव आयोग ने लगाया नहीं। मेसराम साहब सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के साथ में पेपर ट्रेल मशीन मतलब कागज की पर्ची निकालने वाली मशीन लगाया जाए। और जब 2019 में आप वोट देने गए होंगे तो आपको दिखा होगा कि उसके साथ कागज की पर्ची निकालने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई थी, ये किसी और ने नहीं लगाया, ये लगाने का काम माननीय वामन मेसराम साहब ने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके किया। इसके बाद मेसराम साहब को दूसरी बात पता चली, क्या पता चली कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर 3 रूल ऐसे बनाए, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को पता चल गया अब ये पेपर निकल रहा है तो इसमें जो छप गया वही रहेगा, अगर हम मशीन में घोटाला करेंगे और पेपर की गिनती हो जाएगी तो पेपर की गिनती में घोटाला पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो कोई घोटाला करने के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि जो घोटाला करेगा वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो देशद्रोह होगा, देशद्रोह होगा तो उसको फांसी हो जाएगी, तो कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी घोटाले में शामिल होने के लिए राजी नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर
56C, 56D, 49MA तीन रूल बनाया और तीन रूल बनाकर ये जो पेपर के कागज था जो निकल रहा है ये पेपर ट्रेल मशीन से उसकी काउंटिंग को रोक दिया। वो तीनों रूल असंवैधानिक है, वो तीनों रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको सुप्रीम कोर्ट में मेसराम साहब ने चैलेंज किया हुआ है, उसकी केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो इसकी वजह से 2019 में अगर जो कागज का टुकड़ा बाहर निकला, अगर इसकी गिनती हुई होती तो घोटाला पकड़ा जाता, मगर गिनती हुई नहीं इसलिए घोटाला पकड़ा नहीं गया। क्विंट नाम की एक वेबसाइट है, उसने खबर छापा 373 सीटों पर या तो ज़्यादा वोट निकले या तो कम वोट निकले। मान लो आपने 200 वोट डाला था तो 200 ही काउंटिंग में बाहर आने चाहिए, 200 डाला तो 250 बाहर कैसे आ सकते, 200 डाला तो 180 बाहर कैसे आ सकते, जितना डाला उतना ही काउंटिंग में बाहर आना चाहिए। मगर 373 सीटों पर या तो ज़्यादा वोट निकले या तो कम वोट निकले, 220 सीटों पर ज़्यादा वोट निकले, 153 सीटों पर कम वोट निकले। मेसराम साहब के पास बीजेपी ने 220 सीटें घोटाला करके जीता है, इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं और वो एविडेंस लेकर के मेसराम साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और जो 220 सीटें बीजेपी ने घोटाला करके जीता है उसको रद्द किया जाए। इतना ही नहीं, आपको एक और बात आखिरी बात बता देता हूं। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जो कंपनी मशीन बनाती है उसको पूछा, तुमने कितनी मशीनें बनाकर चुनाव आयोग को दिया? कंपनी ने कहा, हमने 40 लाख मशीनें बनाकर चुनाव आयोग को दिया। फिर उस आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग को पूछा कि तुम्हारे पास कितनी मशीनें? उसने कहा, हमारे पास 20 लाख मशीनें। कंपनी कह रही, हमने 40 लाख मशीन चुनाव आयोग को दिया, चुनाव आयोग कह रहा हमारे पास 20 लाख मशीन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है 20 लाख मशीन चोरी हो गई, 20 लाख मशीन गायब हो गई। और जब 20 लाख मशीन गायब हो गई तो मशीन कोई जेब में रख करके ले जाने वाली चीज तो है नहीं। 20 लाख मशीन ले जाने के लिए कई ट्रक लगेगी, एक ट्रक में 20 लाख मशीन नहीं जाएगी, कई ट्रक लगेगी। चुनाव आयोग के मिली भगत के बगैर 20 लाख मशीनें गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है चुनाव आयोग ने घोटाला करने वालों को 20 लाख मशीनें घोटाला करने के लिए दे दिया। और 2019 के चुनाव में क्या हुआ? आपने जिन मशीनों पर वोट डाला उन मशीनों की काउंटिंग नहीं हुई, आपने जिन मशीनों पर वोट डाला उन मशीनों की काउंटिंग नहीं हुई, आपने जिन मशीनों पर वोट नहीं डाला काउंटिंग के लिए वो मशीनें काउंटिंग सेंटर में ले जाई गई। मतलब आपने दूसरे मशीन पर वोट डाला और काउंटिंग गिनती दूसरे मशीन की। इसका उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक जिला है, लोकसभा है, वहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। अफजाल अंसारी के बड़े भाई मुख्तार अंसारी को उस इलाके में लोग डान कहते हैं। उनके लोगों ने जब इलेक्शन हो गया और काउंटिंग होने वाली थी, उसके पहले ईवीएम से भरी हुई ट्रक काउंटिंग सेंटर में जा रही थी तो उनके लोगों ने, हथियारबंद लोगों ने उस ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा, ट्रक छोड़ दो। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के लोगों ने कहा, गोली मारना है मार दो मगर ट्रक नहीं छोड़े। हंगामा हो गया तो ट्रक नहीं छोड़ा तो अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। अगर वो ट्रक नहीं पकड़ पाए होते तो चुनाव हार जाते। जिन लोगों ने ट्रक नहीं पकड़ पाए वो चुनाव हार गए, अफजाल अंसारी ने ट्रक पकड़ लिया तो अफजाल अंसारी चुनाव जीत गए। नागपुर में नितिन गडकरी के विरोध में नाना पटोले नाम के एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे। उनके पास एक डिवाइस था, उस डिवाइस में मशीनों के सीरियल नंबर थे कि किन किन मशीनों पर वोट पड़े हुए हैं। जब काउंटिंग हो रही थी तो जिन मशीनों पर वोट पड़े थे वो मशीनें काउंटिंग सेंटर में नहीं आ रही थी, दूसरी मशीनें, दूसरे सीरियल नंबर की मशीनें गिनती के लिए आ रही थी। नाना पटोले ने कलेक्टर को ऑब्जेक्शन किया, झगड़ा किया, कलेक्टर ने उनकी बात नहीं माना तो नाना पटोले ने हाई कोर्ट में केस कर दिया। चुनाव आयोग ने अभी तक उनकी केस का कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी बातें इस बात को साबित करती हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इस घोटाले में चुनाव आयोग शामिल है, इस घोटाले में कांग्रेस बीजेपी शामिल है, मतलब विधायिका शामिल है, इस घोटाले में
सारे देश भर के कलेक्टर शामिल हैं, जब तक कलेक्टर शामिल नहीं होगा तब तक घोटाला नहीं होगा, मतलब कार्यपालिका शामिल है। इस घोटाले में जज भी, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। कोर्ट क्यों शामिल है? कोर्ट चाहे तो स्वतः संज्ञान ले सकती है, मगर ले नहीं रही है। तो कोर्ट भी, न्यायपालिका भी शामिल है। इस घोटाले की जानकारी देश देश के लोगों को मीडिया नहीं दे रही है, इसका मतलब इस घोटाले में मीडिया भी शामिल है, सभी के सभी लोग इस घोटाले में शामिल हैं। इस घोटाले को करने के पीछे का दो मकसद है। पहला मकसद है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट के प्रभाव को जीरो कर देना। इसकी वजह से रिजर्वेशन पर कोई अमल नहीं हो रहा है, इसकी वजह से शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, शेड्यूल ट्राइब को गोली मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है। क्यों पीटा जा रहा है? इस ईवीएम घोटाले ने हिटलर शाही पैदा कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया, हिटलर शाही पैदा कर दिया कि हमारी जो मर्जी होगी करेंगे, तुम क्या कर लो, हमारी जो मर्जी है करेंगे, तुम क्या करोगे, तुम्हारे वोट की जरूरत हमको नहीं है, हमें तो मशीन वोट देती है, हमें तुम्हारे वोट की कोई जरूरत नहीं है, हमारी जो मर्जी होगी वो करें। इसके लिए तीन तलाक आए, इसके लिए बहुत सारे फैसले हो रहे हैं जो करने की अवकाश सरकार की नहीं थी। ईवीएम की वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से 52% ओबीसी के लोग रिजर्वेशन मांग रहे, नहीं मिल रहा, मगर जिनका 80% कब्जा है उनको 10% 48 घंटे के अंदर सवर्णों को दे दिया। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये कॉन्फिडेंस ईवीएम की वजह से आया हुआ है कि हम कुछ भी करेंगे, आप क्या कर लोगे, तो हमारे वोट के प्रभाव को जीरो करने का कार्यक्रम है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के वोट के प्रभाव को ईवीएम ने जीरो कर दिया है। और दूसरा, जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस बीजेपी के रास्ते की रोड़ा थी, अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके बगैर कोई सरकार सेंटर में नहीं बनती थी, तो उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी खत्म कर दिया गया। 2014 में मायावती जी को जीरो कर दिया गया था, 2019 में लालू यादव की पार्टी को जीरो कर दिया, अखिलेश को केवल 5 सीटें आई। ऐसे देश भर में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की हैं उनको खत्म करने का प्लान है। तो ये सारा प्लान बना करके वो लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आज की तारीख में हम लोगों के पास में मात्र एक विकल्प है, वो विकल्प है जन आंदोलन का। कोर्ट में मेसराम साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर केवल कोर्ट में लड़ाई लड़ने से मामला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी वही लोग बैठे हैं। तो केवल कोर्ट की लड़ाई से मामला हल होने वाला नहीं है, इसके लिए जन आंदोलन करना होगा। और जन आंदोलन हो, इसके लिए पहले लोगों को ठीक ठीक बातें समझाने की ज़रूरत है। तो ये बातें समझाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा देश भर में चल रही है। इसके बाद 6000 किलोमीटर की पैदल परिवर्तन यात्रा की घोषणा भी मेसराम साहब ने किया हुआ है। तो लोगों को इन बातों को समझाया जाएगा, और समझाने के बाद में बड़ा जन आंदोलन देश में किया जाएगा, क्योंकि मेसराम साहब ने इस बात को तय किया है कि ये जो अधिकार हमको मिला ये हमारे पुरखों की कुर्बानी की वजह से मिला। इस लड़ाई में ज्योतिबा फुले को घर छोड़ना पड़ा, साहू महाराज की हत्या हो गई, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे दवा के अभाव में चले गए, माता रमाबाई दवा के अभाव में चली गई, बाबा साहब अम्बेडकर की इस लड़ाई में हत्या हो गई। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद यह हमको अधिकार मिला हुआ है, तो इसे हम जाने नहीं देंगे। और अगर जान की बाजी भी लगाना पड़ा तो इसके लिए जान की बाजी भी लगाएंगे, मगर इस अधिकार को नहीं जाने देंगे। तो आने वाले समय में आंदोलन की तारीख घोषित की जाएगी, और जब तारीख घोषित की जाएगी तो ऑल इंडिया का रोड और रेल बंद कर दिया जाएगा, और तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि या तो चुनाव आयोग पर्चियों की गिनती करने की बात मान ले, या फिर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर की बात मान ले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत को, पूरे भारत को बंद रखा जाएगा। तो ये जो आंदोलन होगा इसमें आप में से कितने लोग इस आंदोलन को समर्थन करेंगे, हाथ खड़े करके आप लोग बताएं कितने लोग इस आंदोलन को समर्थन करना चाहते हैं। सारे के सारे लोग इस आंदोलन को समर्थन करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो आंदोलन है 50% आज सफल हो गया, और 50% जब तारीख घोषित की जाएगी तो ये आंदोलन सफल हो जाएगा। इस आंदोलन में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ एक आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, ये टाटा बिरला अंबानी अडानी के फेवर का आंदोलन नहीं है, ये टाटा बिरला अंबानी अडानी के विरोध का आंदोलन है।
जब ये टाटा बिरला अंबानी अडानी के विरोध का आंदोलन है तो टाटा बिरला अंबानी अडानी तो इसके लिए पैसे देंगे नहीं, टाटा बिरला अंबानी अडानी पैसे नहीं देंगे। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये हमारी आने वाली जनरेशन की लड़ाई है कि हमारी हजारों पीढ़ियां आजाद होगी या गुलाम रहेंगी। तो आजादी हमको चाहिए तो उसके लिए बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर भी हमको ही लगाना पड़ेगा, तब हमारा आंदोलन स्वाभिमानी होगा। तो इस स्वाभिमानी आंदोलन को और इस परिवर्तन यात्रा को अगले जिले में भेजने के लिए, क्योंकि जहां हम गए उन जिले के लोगों ने आपके जिले तक भेजा, अभी आपकी ये जिम्मेदारी है कि इस परिवर्तन यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग आपको करना होगा। हमारे साथियों ने उधर गमछा डाला हुआ है तो आप 10 रुपये से लेकर के जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहते हैं, हमारी गाड़ियाँ आगे जाए, ये परिवर्तन यात्रा आगे जाए, इसके लिए आप लोग जितना साथ सहयोग कर सकते हैं करेंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे ध्यान पूर्वक धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मूल्यास।